नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद चौहान। तो गौ तस्करों पर योगी का शिकंजा। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार एक बार फिर 2017 की तरह गौ रक्षा को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। सरकार की गौवंश को लेकर स्पष्ट नीति के तहत पिछले चार सालों में 150 अवैध स्लॉटर हाउस को बंद कराया गया है। वहीं 356 गौ तस्कर माफिया को चिन्हित कर 1823 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सूबे में पहली बार 68 गौ तस्कर माफिया की गैंगस्टर एक्ट के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही गौ रक्षा के लिए 5278 गौशालाएं खोली गई, जहां 5.86 लाख से ज्यादा गौवंश हैं। इससे साफ है कि इस बार फिर यूपी सरकार गौ हत्या और तस्करी को एक मुख्य चुनावी मुद्दा बनाते हुए जनता के बीच जाएगी, जहां लोगों को बताएगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने गौ रक्षा के लिए कुछ नहीं किया और हम अपने वादों पर खरे उतरे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर गौ तस्करी और माफियाओं को गिरफ्तारी करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी में 68 गौ तस्कर की 18 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ये उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां पर योगी सरकार ने एक बार फिर गौ तस्करी पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर योगी सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। सरकार की गौवंश को लेकर स्पष्ट नीति के तहत पिछले चार सालों में 150 अवैध स्लॉटर हाउस को बंद कराया गया है। पिछले चार साल का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं हम आपको, जहां पर 356 गौ तस्करों माफियाओं को चिन्हित किया गया है और 1823 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सूबे में पहली बार 68 गौ तस्कर माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आपको बता दें 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। तो योगी सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी जी जुड़ गई हैं। सिद्दीकी जी, पिछले चार साल का अगर रिपोर्ट कार्ड पेश करती है योगी सरकार, तो उसमें सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि 150 अवैध स्लॉटर हाउस को बंद कराया गया, गौ तस्करों पर लगाम लगाई गई, माफियाओं को चिन्हित कर उनकी संपत्ति जब्त की गई है। तो गौ तस्करी के मामलों को रोकने में योगी सरकार सफल नजर आती है क्या? क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट में से इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जब योगी सरकार बनी, और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने यही एक काम को सबसे हाथ में अपने लिया और उन्होंने 2019 में 101 करोड़ रुपए लागत से प्रदेश भर में गौ संरक्षण बनाए जाने की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद उन्होंने अतुल सिंह जो राज्य मंत्री है उनको गौ वंश आयोग का अध्यक्ष बनाया। जाहिर बात है कि मकसद ये साफ दिखता है कि गौ वंश पर होने वाले अत्याचार को या मवेशियों को समय समय पर बेचे जाने पर रोक लगाए जाने के लिए इन्होंने एक ऐसी आयोग तैयार किया जिसके तहत इन चीजों पर नजर बनाए के रखा जाए। दूसरी बात, शेल्टर हाउस होम बनाने की योजना जो थी वो बेहद ही इन्होंने संजीदगी के साथ किया था और हर जिले में कमान जो है उन्होंने जिलाधिकारी को दी रखी थी, ताकि जो रात जो यहाँ पे गौ संरक्षण में रास्तों बेल्ट में जो इधर से उधर उनको ट्रक के जरिए बेचा जाता था, उन चीजों को लगाम लगाने के लिए, अव्यवस्था को सुचारू करने के लिए उन्होंने ये रास्ता को अपनाया था। और सबसे अहम बात यहाँ पे यही देखने को मिलती है कि इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी बात को ध्यान रखते हुए इन्होंने इस योजना का मास्टर प्लान खुद अपने हाथ में ले रखा था। अब काबिल समझने वाली बात यहाँ पे ये भी होगी कि मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने किसी को भी न बख्शने की तैयारी की थी, जिसके तहत उन्होंने सिक्योरिटी एक्ट जिसको NSA भी कहते हैं, यानी कि रासुका लग जाए सीधा। तो अगर कोई पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं सीधा रासुका लगाने की कवायद होती है। और जिन और बाकी लोगों की अगर हम बात करते हैं, जैसे दुकानदार हैं, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे दुकानदारों को भी बंद करवाया था जिनके पास लाइसेंस नहीं है, या ये कह सकते हैं वो मटन हो या चिकन की दुकानें हो, अगर ऐसे व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं होता है तो उनके तहत FSTA एक्ट लगाया जाता है, यानी कि फूड सप्लीमेंट एक्ट, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं उनके तहत यहाँ पे उनके दुकानों को सीज कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार खास तौर से इन योजनाओं को तहत लेकर काफी सीरियस है और अब बचे हैं 4.5 साल और मौका नहीं देना चाहते हैं ऐसे हालातों में कि उनके ऊपर कहीं से भी उंगली उठ सके। और दूसरी बात यहाँ पे ये जी बिल्कुल रूबी, 4.5 साल जैसे कि आपने बताया कि पूरे हो चुके हैं, इनके मैनिफेस्टो में ये बात थी कि गौ तस्करी पर ये जो पूरी तरीके से लगाम लगाएंगे, गौ रक्षा करेंगे, तो ऐसे में 4.5 साल बाद जो कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं वो तो बताते हैं कि हाँ
एक हद तक काम में सफलता हासिल हुई है। इसके साथ ही एक चीज और जानना चाहेंगे रूबी जी कि पिछले 4.5 साल के दौरान कंटिन्यूटी के साथ ये सारे काम किए गए हैं, गौ तस्करी पर लगाम लगाना हो या फिर मुकदमा दर्ज करना हो या फिर माफियाओं को घेरना हो, उनको गिरफ्तार करना हो या फिर चुनाव के मद्देनजर ये चीजें जो हैं एकदम से तेज की गई। बिल्कुल सही कहा कविन, कुछ टाइम की अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले बहुत ज्यादा तेज तर्रार के साथ योगी सरकार नजर आते थे, उन दिनों की बात कर रहे हैं जब इनकी सरकार बनी थी और जब सरकार बनने के बाद उन्होंने पहला स्टेप यही उठाया था कि उन्होंने तलाशना शुरू कर दिया था कि कहां कहां पे लाइसेंस है, कहां नहीं है, नहीं है तो उन दुकानों को बंद कर दिया जाए, स्लॉटर हाउस जो थे उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन बीच में ढील जरूर देखने को मिल रही थी। फिर उसके बाद बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इस मुद्दे पे नजर ही नहीं आए। हाँ, गौवंश संरक्षण को लेकर वो खासतौर से सीरियस नजर आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने आयोग बना रखा है उसमें वो खुद पहुंचते हैं, वहाँ के बारे में जानते हैं, जो अतुल है उनसे पूछते हैं यहाँ पे कमी बेसी क्या रह गई है। अब बात करते हैं आने वाले समय को लेकर, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि समय कम है और अब अयोध्या मुद्दा जो था यानी कि रामलला मुद्दा जो था वो तो अब इन्होंने पूरा करते दिखा दिया, अब बचा है अब ये मुद्दा। अब इस चीज को लेते हुए उन्होंने साफ दिखाना चाहते हैं जनता को कि हमारे ही सरकार में ये सख्त कदम उठाया गया, खासतौर से इन मुद्दों को लेकर जो गौ संरक्षण को लेकर है। तो तमाम इनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे लेकिन उन ड्रीम प्रोजेक्ट में इन्होंने इस मुद्दे को अपने लिए ही चुन के रखा था, उनमें से ये साफ तौर पर इन्होंने अधिकारियों को यही आदेश दे रखा था कोई को भी नहीं बख्शना है, डीएम खासतौर से नजर रखे, जो यहाँ के एसपी होंगे जिले के वो खासतौर से नजर रखे। जी बिल्कुल रूबी जी, जब सरकारें आंकड़े पेश करती हैं तो कहीं ना कहीं अपनी पीठ भी उन्हीं आंकड़ों के जरिए थपथपा लेती है। इसके साथ एक और चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो 18 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की बात की जा रही है, इसके साथ ही जो माफियाओं को चिन्हित करने की बात की जा रही है, तो ये सूबे के कौन से जिले या कौन से एरिया या कौन से इलाके के सबसे ज्यादा लोग चिन्हित किए गए हैं, किस जगह पर ये सबसे ज्यादा काम हुआ है? देखिए कविन, इसको ना बहुत गोपनीय रखा जाता है क्योंकि खासतौर से अगर हम किसी से रिपोर्ट मांगते हैं तो उस टाइम यही बताया जाता है कि जो जिले में उनको एक पैरामीटर के तहत ही रखा गया है। और खासतौर से अगर हम बात कर रहे हैं लखनऊ की बेल्ट की, तो लखनऊ के बेल्ट में ज्यादा पाए गए हैं, बाराबंकी हो या फिर इधर सुल्तानपुर जौनपुर इधर साइड के ज्यादा दुकानों पे या फिर स्लॉटर हाउस की जो बातें होती हैं वो यहाँ से ज्यादा निकल के आती हैं, लेकिन और जगह के जो आंकड़े निकल के आते हैं वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनके तहत वो आंकड़ा निकाल के देते हैं कि इन इन जगहों से लेकर हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट है जहाँ पे इन तरीके से पकड़े गए हैं और या फिर ये कह सकते हैं हमने एक छापा मारा है। तो ऐसे में गोपनीय रिपोर्ट होती है वो सीधा सीएम के पास रखी जाती है और सीएम उस पर सख्त कदम उठाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं, उन्होंने बताया है कि 18 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है जो लोग गौ तस्करी में लिप्त पाए गए थे। इसके साथ ही 68 गौ तस्करों की 18 करोड़ की जो संपत्ति जब्त की गई है, इसके साथ ही 1500 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो योगी सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से गौ तस्करी पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी कुछ वक्त हो लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां मंगलवार को तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी यूपी में ऐसी सरकार बनाएगी जो भगवान राम के आदर्शों से चलेगी। भगवान राम की कृपा से ही हमें दिल्ली में सरकार चलाने का मौका मिल रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान राम से प्रेरणा लेकर सरकार चला रहे हैं, वरना कुछ राजनीतिक दल राम के नाम का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये सभी जानते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि हम लोग तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यूपी की जनता ने उम्मीदों के साथ बीजेपी की सरकार बनवाई थी लेकिन आज यूपी की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। योगी सरकार ने गुंडाराज को बढ़ावा दिया है, हाथरस कांड में भी सरकार सिर्फ दरिंदगी करने वालों के साथ खड़ी रही। तो ये सारे बयान जो आपको सुनाए ये सभी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहे हैं अयोध्या में। तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी यहां पर भी नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, जहां पर अयोध्या पहुंचे मनीष सिसोदिया ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल राम के आदर्शों पर चल रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि एक ऐसी पार्टी भी है जो सिर्फ राम के नाम का इस्तेमाल कर यहां पर सत्ता पर काबिज है।
वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 16 सितंबर को हरदोई दौरे पर रहेंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम 11 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इस दौरान रस्कान प्रेक्षागृह में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। 12 बजे के बाद जिलाध्यक्ष के साथ पार्टी पदाधिकारियों से बैठक करेंगे, साथ ही प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो ये प्रोग्राम का दौरा है केशव प्रसाद मौर्य का, हरदोई दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको दौरे की जानकारियां दी थी हमने अभी कि किस तरीके से वो विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं पूरा जो उनका काम है, जो उनके प्रोग्रामिंग है उसका शेड्यूल आपकी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जहां पर हरदोई पहुंचने के बाद वो कई योजनाओं और का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां धर्मेंद्र भाटी को गौतम बुद्ध नगर का पिछड़ा वर्ग का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष रामवीर तंवर, जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी ने मनोनीत पत्र सौंपा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के अन्य नेता भी वहां मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी बंटवारे की राजनीति नहीं करती, हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी बंटवारे का काम नहीं करती, वो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में धर्मेंद्र भाटी को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, इन्होंने उस 62% आबादी जो पूरे प्रदेश में 62% आबादी है पिछड़ा वर्ग, उसकी अनदेखी हर स्तर पे की है, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो। सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो पिछड़ा वर्ग की है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इन्होंने, योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के किसी भी व्यक्ति को कभी भी ना तो कोई रोज़गार की कोई योजना दी है, ना कोई उनके विकास की कोई बात करते हैं, वो सिर्फ जाति और धर्म की बात करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जब तक वो विकसित नहीं होगी, जब तक वो अग्रसर पथ पे नहीं आएगी, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनके बच्चों को अच्छा रोज़गार नहीं मिलेगा, तो देश कैसे मजबूत होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 के जो आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, आदरणीय धीरज गुर्जर जी, पंकज मलिक जी, विदित चौधरी जी, तमाम हमारे कांग्रेसी नेता 2022 की आप सबको पता ही है चुनाव अवसर पे है, उसकी तैयारियों में हैं। और आपको देखने को मिला होगा कि जब से हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, उसके बाद हमारे जितने भी फ्रंटल संगठन हो, मेन संगठन हो, उसमें पूरी तरह से दिन रात कार्य हो रहा है। उसी के अंतर्गत हमारे आज के जो हमारे मुख्य अतिथि भाई हमारे राम कुमार तंवर जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी सेल के हैं, उन्होंने हमारे धर्मेंद्र भाटी जी जो पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस में सालों से काम कर रहे हैं, मजबूती से अपने कांग्रेस की लड़ाई को लड़ रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं, आम जन के साथ खड़े हैं। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर महराजगंज से है, जहां पूर्वोत्तर रेलवे के सलाहकार समिति की सदस्य और राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना चंद्रा ने घुगली रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर में गंदगी के अंबार को देखकर तत्काल साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही अर्चना चंद्रा ने यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म एक का निरीक्षण कर साफ सफाई की स्थिति खराब होने पर स्टेशन अधीक्षक अश्वनी कुमार को स्टेशन परिसर को साफ सफाई रखने का वहां पर सख्त निर्देश दिया है। निरीक्षण के बाद अर्चना चंद्रा स्थानीय लोगों से मिलकर घुगली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को हो रही समस्या के बारे में उन्होंने वहां पर जानकारियां ली हैं और इसके साथ ही उच्चाधिकारियों से मिलकर जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। मैं अधिकारियों तक संबंधित ये बात ले जाऊंगी कि जो यहाँ पे महिलाएं हैं या अन्य वर्ग हैं, जो भी लोग जिनको नौकरी करना है बाहर या बच्चों को पढ़ाना है, आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर ट्रेन यहाँ पे रुकती है, स्टॉपेज रहेगा, तो महिलाओं को भी आसानी हो जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो भी अपना जाके अच्छे से कार्य कर सकते हैं।
सिद्धार्थनगर में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल न बनने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया और साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बाउंड्री वॉल बनाने जाने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में जो प्रधान है उन्होंने पूर्व प्रधान पर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से बाउंड्री वॉल नहीं बन पा रही है। साथ ही उनका कहना है कि पूर्व प्रधान आए दिन मारपीट करता है लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही प्रशासन इस पर कुछ भी कहने को तैयार है। हमारे यहाँ जो मामला है वो प्राथमिक विद्यालय का है। जो विद्यालय 200 वर्ष पूर्व है उसका दोस्तीकरण किया गया, विजय प्रकाश पांडे जी ने लिया और फिर उसी विद्यालय को बनने नहीं दे रहे हैं कि हमारी जमीन है और उसमें विवाद भी मारपीट भी कर लिए और थाना प्रशासन को सुन नहीं रहा। थाने प्रशासन ने मारपीट में दोनों तरफ से कर दिया, प्रधान के ऊपर जो बनवा रहा था उसके ऊपर भी उनके ऊपर भी, वो 151 करके मैटर ख़त्म कर दे रहे हैं। वो कोई भी बात थाने पर सुनी नहीं जा रही है। ऊपर से विजय प्रकाश पांडे के द्वारा अशोक कुछ अराजक तत्वों को भेज करके 310 लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अशोक हैं, उनके लड़के हैं और सुधाई हैं, गंगाराम हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। और जब धमकी दिया जाता है तो बोलते हैं कि हम दोनों तरफ से केस करके 151 छोड़ देंगे। गोंडा में एक अधिवक्ता की ओर से लगातार ग्राम न्यायालय का विरोध किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए वकीलों ने गोंडा लखनऊ राजमार्ग पर घंटों जाम लगाया। इस दौरान वकीलों ने लोगों को आने जाने नहीं दिया और हजारों लोगों भयंकर गर्मी में जाम में जूझते रहे। कुछ महिलाओं ने वकीलों द्वारा किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन के तरीके का विरोध किया। वकीलों का कहना था कि मनकापुर में ग्राम न्यायालय गलत तरीके से स्थापित किया जा रहा है और पहले जिला प्रशासन के समक्ष दर्ज कराए गए विरोध प्रदर्शन में जिला प्रशासन ने गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया है। वह मुकदमा वापस और ग्राम न्यायालय की स्थापना मनकापुर में ना हो इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है। तो गोंडा से प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जहां पर वकीलों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के चलते जब राहगीरों को परेशानी हुई तो वहां वो उतर कर उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन का ही विरोध कर दिया। मामला ये है कि पहली बात तो ग्राम न्यायालय जो है मानक की व्यवस्था के विपरीत जो है भेज दिया गया है मनकापुर में और उसको मध्य क्षेत्र में कहीं भी ग्रामीण स्तर पर अगर स्थापित किया जाता तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इतराज नहीं था। उसको व्यवस्था के विपरीत, रूल नियम के विपरीत जो है इस्टेब्लिश किया गया है, इसलिए हम उसके खिलाफ हैं और जब तक वो हमारी मांग मानी नहीं जाती, ग्राम न्यायालय वापस नहीं होता, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात तहसील का प्रकरण है, हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर FIR हुई है, उस FIR के वापसी तक हम चाहते हैं कि तब तक हम, क्योंकि फर्जी तरीके से हम लोगों को SC ST एक्ट में नामित कराया गया है, वो जब तक स्पंज नहीं होता तब तक, और तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार धानेपुर का जब तक स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक हम लोग आंदोलन रखते हैं। ग्राम न्यायालय अधिवक्ताओं की इच्छा के विपरीत और मानक के विपरीत मनकापुर में स्थापित किया गया है, राज्य सदन के साये में इसके विरोध में अधिवक्ता आंदोलित हैं, इसीलिए हम लोगों ने आज न्यायिक कार्य से विरत रह करके और इस राजेंद्र लाहड़ी चौराहे को जाम करने का वो यह प्रस्ताव किया था, जिसके क्रम में हम लोगों ने जाम करके अपने कार्यक्रम को सफल बनाया है। काफ़ी देर तक रोड जाम करने से जनता को भी काफ़ी दिक्कत हुई, थोड़ी परेशानी तो आ रही है लेकिन हम लोग ज़्यादा परेशान हैं, जनता को और भी परेशानी हुई ग्राम न्यायालय जाने से। ग्राम न्यायालय की बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, न्याय चला निर्धन से मिलने यह सरकार का नारा है लेकिन ग्राम न्यायालय में ऐसा कुछ नहीं है जिससे जनता का कोई लाभ हो। ग्राम न्यायालय का मतलब है मोबाइल कोर्ट हो और वो सचल न्यायालय हो जो द्वारे द्वारे जा करके नहीं, जनता के दरवाजे पर जा करके उसके मुकदमों का समाधान के सुलह समझौते को निस्तारण करावे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो उसका निस्तारण कोर्ट स्थापित करके अब वो भी अधिवक्ता कक्ष में राज्य सदन के साये में जा करके करे, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है। बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि चर्चित महिला नेशनल खो खो खिलाड़ी की 4 दिन पहले दिन दहाड़े अज्ञात हथियारों ने हत्या कर दी थी, जिस वारदात को अंजाम देकर वो मौके वारदात से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने महिला खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म करने के इरादे से उसको पकड़ा था लेकिन महिला की चीख पुकार के चलते हत्यारे ने गले में रस्सी डालकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसकी संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है उस पर और उसको जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। 10 सितंबर के अपराध में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी।
घटना का अनावरण आज किया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और निर्वासित रहते हुए 1915 में अफगानिस्तान में बनी भारत की अंतरिम सरकार के मुखिया रहे प्रसिद्ध जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में अलीगढ़ जनपद में 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास उन्होंने आज किया है। प्रदेश तथा केंद्र सरकार के इस कदम पर राजा साहब के वंशजों तथा कस्बा मुरसान के लोगों ने खुशी जताई और मांग की है कि हाथरस जिले का नामकरण राजा साहब के नाम पर हो। राजा साहब के वंशज गणरध्वज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ में जब वे प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो हाथरस जिले का नाम बदलने की मांग करेंगे। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसी तरीके से हम इन महापुरुषों को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, एक सच्चा सम्मान दे सकते हैं। हम आने वाली जो जनरेशन्स हैं या आज की जो जनरेशन जो राजा साहब के इतिहास विलुप्त होने के कारण उनके बारे में सही जानकारी नहीं जुटा पा रही थी, उसके लिए ये सही संदेश है। अगर किसी शहर का नाम किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाता है और हाथरस का नाम परिवर्तित हो गया अगर राजा साहब के नाम पर रखा जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसका एक सही संदेश जाएगा, इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी होगी और एक नई युवा पीढ़ी जो अपने देश के गौरव रहे, अपने देश के महापुरुष और फ्रीडम फाइटर्स रहे, उनके इतिहास से छिन्न होती चली जा रही है, जो जनरेशन को उनके बारे में जानकारी नहीं है, उसमें एक नई पहल होगी। देहरादून से आने और जाने वाली यूपी रोडवेज की 2 बसों में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बसों के करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस ने अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया है। हादसा देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे पर मोहंड की पहाड़ियों पर हुआ। इस हादसे में कुछ यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूपी रोडवेज की 2 बसों में जोरदार टक्कर हो गई है और आपको बता दें कि इसके चलते यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। नेशनल हाईवे पर ये पूरा जो एक्सीडेंट है वो हुआ है और दिल्ली देहरादून के बीच का ये पूरा मामला था, जहां पर करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जोरदार टक्कर हुई थी जिसके बाद 1.5 दर्जन से ज़्यादा जो यात्री उस बसों में सवार थे वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। बस्ती में प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश में गांव के दबंगों ने एक दलित परिवार की जमकर पिटाई की। दबंगों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दलित परिवार ने आरोप लगाया कि दबंगों ने घर में घुसकर हम लोगों को मारा पीटा है, लेकिन आरोपियों के दबाव के चलते हरैया पुलिस ने अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं CEO हरैया ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो चुनावी रंजिश के चलते यहां पर देख सकते हैं आप कि दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। बस्ती का यह पूरा मामला है जहां पर दलित परिवार की पिटाई का मामला निकलकर सामने आया है। दलित परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और वो कार्रवाई में जुट गई है। अनिल कुमार पुत्र श्री राम सुख निवासी ग्राम पनेरा भारी थाना हरैया के साथ कुछ लोगों ने मारपीट व तोड़फोड़ की घटना की थी, जिसके संबंध में वादी अनिल कुमार की तहरीर पर थाना हरैया पर कल दिनांक 13 सितंबर 2021 को IPC व SC/ST एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण कर ली गई है। शीघ्र ही गुण दोष के आधार पर निष्पक्ष विवेचना संपादित की जाएगी। ये कल सुबह 8 बजे की बात है, जो है ये ग्राम प्रधान कप्तान तिवारी थे, नंदन तिवारी थे और ऋषभ तिवारी, वेद तिवारी, इनके साथ में 40-50 लड़के थे जिसको मैं जानता और पहचानता नहीं हूँ। ये लोग जाकर मेरा छप्पर का मकान था, 12-15 मकान वो मड़ई था छप्पर वाला, उसको उल्ट दिए हैं, दीवार उवाल सब गिरा दिए, पक्की दीवार थी और मेरा कोरकट्टी मशीन, नल, साइकिल और घर में हल्के बक्सा वक्सा ये सब तोड़ के उसमें मैं से चोरी भी कर लाए हैं, मेरा फ़ोन भी छोड़ लिए हैं और यहाँ तक कि हमारे थाने पर जो
थाने पर दिए थे एप्लीकेशन आज 3 दिन पहले, उसके बाद में फिर कल भी दिए, परसों भी दिए, एसपी के पास फोन भी किए, तब यहाँ से पुलिस गई है कल। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।